दोस्तों, वैसे तो हम सभी को इंतज़ार है अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी का, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी पहले आ गई थी फ्लोर पे, यानी कि इसकी अनाउंसमेंट जो है काफ़ी पहले हो चुकी थी और इस फिल्म का ट्रेलर जो है ये भी 6 से 7 महीने पहले आउट हो गया था। अब दोस्तों अचानक से बीच में लॉकडाउन हो गया और कोरोना आ गया, इसके वजह से इस फिल्म का जो रिलीज़ है वो नहीं हो पाया और बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों उसके बाद ये खबरें सामने आ रही थी कि इस फिल्म को जो है रिलीज़ किया जाएगा दिवाली के मौके पर, और दोस्तों ये खबर भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि 15 तारीख से कई सारे थिएटर्स भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में सभी के मन में बस यही होगा कि चलो अब तो थिएटर्स भी खुल रहे हैं तो ये फिल्म जो है सूर्यवंशी ये रिलीज़ हो जाएगी दिवाली पर। लेकिन दोस्तों अब बड़ी अनाउंसमेंट की गई है फिल्म के प्रोड्यूसर्स के तरफ से। आपको बताते चले दोस्तों कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये दावा किया है और कहा है कि इस फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यानी कि दिवाली के मौके पर आप लोगों को ये फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने आगे कहा कि इस फिल्म को जो है 3 से 4 महीने बाद रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि दोस्तों सीधे सीधे ये जो फिल्म है आप लोगों को देखने को मिलेगी 2021 में, यानी कि स्टार्टिंग में 2021 के। अब दोस्तों खबरें ये भी सामने हैं कि जनवरी के महीने में ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल सकती है। दोस्तों सबसे खास बात ये है कि इस फिल्म को जो है थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी टाइम से फिल्में थिएटर्स पे आउट नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों भले ही फिल्म को थोड़ा सा लेट हो रिलीज़ होने में, लेकिन ये फिल्म थिएटर्स में ही रिलीज़ होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि आप लोगों को बॉलीवुड की हर खबर मिले सबसे पहले। धन्यवाद।